दोस्तों इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 और 3 ODI मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद अब इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच 3 ODI और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी और इस सीरीज का कंप्लीट स्क्वाड अनाउंस तो हो चुका है, जहां इंडिया के स्क्वाड में संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार समेत कई बड़े खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया, तो वहीं शहबाज अहमद, रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी जैसे नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया। वहीं टेस्ट स्क्वाड में चेतेश्वर पुजारा की वापसी हुई और केएल भरत को स्क्वाड में शामिल किया गया, तो ऐसे में दोनों टीमों का ODI और टेस्ट सीरीज का कंप्लीट स्क्वाड क्या है, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। वहीं सभी मैचों का टाइमिंग क्या रहने वाला है भी आपको बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ODI स्क्वाड की, तो बांग्लादेश का ODI स्क्वाड तमीम इकबाल कैप्टन, आफिफ हुसैन, यासिर अली, मुशफिकुर रहीम, नदीमुल हुसैन, लितन दास, अनमानुल हक, नूरुल हसन, साकिबुल हसन, मेहदी हसन, महमूदुल्ला, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, इबादत हुसैन और नासूम अहमद। वहीं इंडिया का ODI स्क्वाड रोहित शर्मा कैप्टन, KL राहुल वाइस कैप्टन, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर और कुलदीप सिंह। ODI स्क्वाड में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया था, लेकिन रविंद्र जडेजा चोटिल होने के कारण बाहर हुए और उनकी जगह शहबाज अहमद को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और अब बात करते हैं टेस्ट स्क्वाड की, तो इंडिया का टेस्ट स्क्वाड रोहित शर्मा कैप्टन, KL राहुल वाइस कैप्टन, रविचंद्र अश्विन, KS भरत, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, चेतेश्वर पुजारा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और उमेश यादव। वहीं बांग्लादेश का टेस्ट स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये रहा दोनों टीमों का कंप्लीट स्क्वाड जो इस सीरीज में रहने वाला है। अगर इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से रविंद्र जडेजा बाहर होते हैं तो उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है और आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट में किस प्लेयर को टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं सभी मैचों के टाइमिंग की, तो सबसे पहले 3 ODI मैच खेले और तीनों ODI मैचों का जो टाइमिंग रहने वाला है इंडिया के टाइम अनुसार दोपहर को 11:30 पे स्टार्ट होगा। तो वही जो 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे उनका टाइमिंग रहने वाला सुबह को 9:30 पे। तो दोस्तों इस सीरीज के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है इस सीरीज में कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।